क्या हार्दिक पांड्या हो जाएंगे वर्ल्ड कप से भी बाहर? ये सवाल इसीलिए लगातार उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या ने इस आईपीएल में दी है और जैसी परफॉर्मेंस वो लगातार दे रहे हैं, ये सवाल उठना तो बड़ा लाजमी ही है क्योंकि वर्ल्ड कप में उनकी जगह बनती अब दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि अगर बात करें हार्दिक पांड्या की इस आईपीएल में परफॉर्मेंस इसकी, तो 8 मैच खेले हैं हार्दिक पांड्या ने, अगर हम कल का मैच निकाल दें, उसके बाद 151 रन बनाए हैं और सिर्फ 39 उनका हाईएस्ट रहा है। बात करें अगर उनकी बॉलिंग की, तो बॉलिंग में भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए हैं हार्दिक। 8 ओवर उन्होंने अभी तक डाले हैं आईपीएल में, सिर्फ 4 विकेट हासिल हुए हैं। इसका मतलब ना तो उनकी बॉलिंग बेहतर हो पा रही है इस आईपीएल में और ना ही बल्लेबाजी। अब ऐसे में वो कैसे आने वाले वर्ल्ड कप की टीम में अपनी जगह बना पाते हैं, ये देखना बड़ा ही मुश्किल होगा। और अगर कल के मैच को भी देखें अगर हम, तो कल के मैच में भी वो इतनी नीचे आए। उन्होंने निहाल वडेरा को अपने से ऊपर भेज दिया, मोहम्मद नबी को अपने से ऊपर भेज दिया, और ऐसी क्रूशल कंडीशन में जहां उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो नीचे आते हैं। कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि वहां उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हुआ है। जिस तरीके की बल्लेबाजी वो पहले करते हुए नज़र आते थे, जहां वो जिम्मेदारी लेते हुए नज़र आते थे टीम की, वो थोड़ी सी चीज़ें अब कम होती हुई नज़र आ रही हैं। कल के मैच में हार्दिक ने बस 2 ओवर डाले जिसमें उन्होंने 21 रन दिए, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। वहाँ हो सकता था कि हार्दिक अपने पूरे ओवर कर लेते, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दिया कि अब हार्दिक को अपनी गेंदबाजी पर भी उतना भरोसा नहीं है। अब ऐसे में एक खिलाड़ी जो भारत की टीम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जो गेंदबाजी भी कर कर देता है आपको, बल्लेबाजी में भी अच्छे रन बनाता है, ऐसा खिलाड़ी अब दोनों ही अपने फील्ड में नहीं अच्छा कर पा रहा, तो ये बड़ी टेंशन की बात होगी हार्दिक पांड्या के लिए। और उसके ऊपर से भी अगर बात करें तो लगातार यंगस्टर्स का परफॉर्म करना, शिवम दुबे का परफॉर्म करना, रिंकू सिंह का परफॉर्म करना, हार्दिक की T20 की टीम में उनकी सीट को खतरे में डालता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि हार्दिक आने वाले मैचेस में आईपीएल में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी बात भी चल रही थी कि अगर हार्दिक परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो शायद उनकी जगह ना बने। और एक बात ये भी थी कि अगर हार्दिक पूरे ओवर नहीं डालते हैं अपने, तो शायद कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि उनकी फिटनेस में भी अभी कमी है। क्योंकि अगर वो पूरे ओवर नहीं डाल रहे हैं तो या तो कहीं ना कहीं वो फिट नहीं है, या उनका जो फिटनेस है वो अभी इस लेवल पे नहीं है कि वो पूरे ओवर भी डाल पाएं और खुलकर बल्लेबाजी भी कर पाएं। तो ये कुछ बड़े सवाल हैं इस वक्त हार्दिक पांड्या के ऊपर। अब देखना ये होगा कि हार्दिक पांड्या आने वाले आईपीएल मैचेस में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन पर कप्तानी का भी प्रेशर है, ऊपर से पब्लिक भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट कर रही है। अब ऐसे में हार्दिक पांड्या कैसे खेलते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इंडिया के लिए भी हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्लेयर हैं और अपने लिए उनका परफॉर्मेंस देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।